हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लंबी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वावलंबन। आज हम पढ़ेंगे स्वावलंबन पर निबंध हिंदी में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्व प्लस आलंबन का तात्पर्य है आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व प्लस आलंबन का तात्पर्य है आत्मनिर्भरता, अर्थात अपना काम स्वतः करना और दूसरों पर किसी प्रकार से निर्भर ना रहना स्वावलंबन है। समाज द्वारा जो दायित्व जिसको सौंपा गया है उसको वह पूर्ण निष्ठा के साथ स्वयं पूर्ण करे और अपना बोझ दूसरों पर ना डालकर अपनी उन्नति के लिए स्वयं राह निर्धारित करे। आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार है और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है, वह व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रह सकता है। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना और उनका पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए आवश्यक है। जिस काम के लिए कोई भी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है उस कार्य में वह पिछड़ जाता है और उसका वह कार्य अपूर्ण रहता है। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे समय का सदुपयोग कर अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं। स्वावलंबन जीवन का आधार है, प्रगति की सीढ़ी है। इसलिए हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना चाहिए। यदि हमारे यहाँ सभी स्वावलंबी बन जाएं तो सारा राष्ट्र उन्नत हो जाएगा। आई होप आप लोग को इस स्वावलंबन पर निबंध अच्छा लगा हो, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो लाइक एस्से, लेटर, निबंध, पत्र, पैराग्राफ, इस तरह की वीडियो आगे आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।